नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे ऐसे एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक की जो पिछले काफी समय से निवेशकों को इतना ज्यादा परेशान कर चुका है कि निवेशक इस बात को लेकर के बोर हो चुके हैं कि भाई साहब ये स्टॉक चलेगा कब, स्टॉक ये चलेगा कब, चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से या तो स्टॉक निगेटिव रहा है या एक बड़े कंसोलिडेशन में रहा है। लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर एक पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल रही है, एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, अपने जो कंसोलिडेशन जोन है वहां से थोड़ा बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरा मामला, क्या वाकई ये स्टॉक आ पाएगा, और वो कौन से लेवल है दोस्तों जहां पर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो वहां से फिर एक फ्रेश तेजी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप स्टॉक में निवेशित है, निवेश की सोच रहे, दोनों ही सूरत हाल में आपको ये वीडियो जरूर से जरूर देखनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इंडियन IEX शेयर दोस्तों आज लगभग 1.5% ज्यादा की तेजी है। लेकिन जरा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप देखें यहाँ पे पिछले 1 महीने के अंदर स्टॉक 6% ज्यादा भागा है, लेकिन पिछले 6 महीने में आप देखें तो स्टॉक कहीं नहीं गया है। ये देखें, ये है 150 की रेंज, ठीक है, ऊपरी स्तरों पे। और ये देखें आप, ये रहा 150 का ये, और ये रहा रही 130 रुपए, यह 130, यानी 150 से 130 टोटल होते हैं 20 रुपए, ठीक है। 150, ये रहा 130, ये रहा 150, दोनों में अंतर 20 रुपए। और आप समय देखें तो ये है दोस्तों, कब है ये, सितंबर, और ये रहा क्या, मार्च। यानी आप देखेंगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और आ गया मार्च। पिछले 7 महीने में, या दोस्तों पिछले 7 मंथ्स में स्टॉक मात्र 20 रुपए की आपको मूवमेंट दिखाया ऊपर नीचे की। तो आप समझ सकते होंगे क्यों क्यों ये इतना ज्यादा परेशान कर रखा था निवेशकों को। और ऐसा भी नहीं हुआ कि इतनी भयंकर बड़ी गिरावट हो जाए कि स्टॉक से डर लगने लगे, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट होती है, देखिए मैं आपको 2 वीक लो दिखाता हूँ इसका, 129 रुपए, 129.95 के आसपास इसका 2 वीक लो है, यानी मोटा मोटी आप 130 रुपए बोल सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कहीं स्टॉक गया नहीं, ठीक है। और अब कुछ ऐसी न्यूज निकल के आई दोस्तों, आपको पता हो कुछ समय पहली बातें चली कि भाई साहब बाईबैक होने वाला है, और कुछ दिन पहले खबर आई कि IEX ने लगभग 1,45,000 से ज्यादा के जो स्टॉक है उसको बाई बैक कर लिया है दोस्तों, ठीक है। और एक न्यूज जो IEX के लिए बहुत पॉजिटिव रही ये कि भाई साहब जो मिनिस्ट्री है, जो पावर मिनिस्ट्री है, उन्होंने कोयला जनरेशन वाली जो यहाँ से बिजली उत्पादन होती है उनको कहा है कि भाई आप फुल कैपेसिटी में अब अपने प्लांट्स को ऑन कर लीजिएगा मिड मार्च के आसपास से, और ट्रेडिंग क्योंकि आने वाले समय में हम शुरू करेंगे। तो ये IEX जैसी कंपनी जो एनर्जी ट्रेडिंग में काम करती है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए उस ट्रेडिंग का 90% मार्केट शेयर आज भी IEX के पास है दोस्तों, ठीक है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जैसे स्टॉक्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म में तो बहुत बहुत शानदार रिटर्न देते हैं, लेकिन इसको खरीदारी करने का तब समय होता है जब वो निगेटिव हो, जब वो कंसोलिडेशन फेज में हो। क्योंकि देखिए यूफोरिया पिछले 1 साल में देखेंगे तो जो यूफोरिया बनाया गया था, देखिए स्टॉक इसमें खरीदारी का तो स्टॉक 1 समय में देखेंगे 250 रुपए, जी हाँ 250 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन उसके बाद से आप देखिए जो गिरावट हुई है वहां से ऑलमोस्ट 40% ज्यादा की गिरावट आपको स्टॉक दिखा चुका है। और लंबे समय से आप देखें तो यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक स्टॉक देखिए 150, ठीक है, स्टॉक को मैं बता दूं स्टॉक के लिए जो 150 का लेवल है ये इतना इंपॉर्टेंट है, जब तक 150 के ऊपर जा करके ये 1 से 2 दिन, या दोस्तों 1 से 2 दिन ये सस्टेन नहीं करता है, जब तक 1 से 2 दिन की सस्टेन नहीं करता है तब तक कोई भी कोई एक बड़ी तेजी, कोई बहुत बड़ी तेजी हो जाए ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता दोस्तों, ठीक है। और जैसे ही दोस्तों 150 और 152 के ऊपर ही जाएगा स्टॉक, कम से कम दोस्तों एनालिस्ट का कहना है 175 आपको जरूर जरूर, 175 178 जरूर दिखा देगा, ठीक है। तो एक स्मॉल के लिए मुझे लगता है शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म स्टॉक एक बड़ी तेजी, एक बड़ा ब्रेकआउट दिखा सकता है। रीजन यह है कि आपके लेवल क्या है, देखिए आने वाला समय गर्मी का समय है,
आपको पता है एक्चुअल में पावर ट्रेडिंग कब की जाती है, वो इसी समय की जाती है दोस्तों। तो इस गर्मी में जो मौका मिलने वाला है, अगर आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं कि ये 130 का स्टॉप लॉस लगाएं और एक 175 के टारगेट लिए आप ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। तो 147 के बाद जो मुझे लगता है दोस्तों 138 टू 142 ये एक नेक्स्ट इसका सपोर्ट है। ये मुझे लगता है अब इसको तोड़ना थोड़ा सा टफ हो सकता है दोस्तों। तो ये छोटी सी एनालिसिस आईएक्स के लिए थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।